अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और मैं लंदन में एक मेडिकल डॉक्टर के तौर पे काम करता हूं। आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेक्टल ब्लीडिंग यानी कि पखाने में खून आने के बारे में। पखाने में खून का आना किसी भी मरीज के लिए बहुत परेशान कुन बात होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पखाने में खून आने की क्या वजूहत हो सकती हैं, इसके लिए कौन से टेस्ट करे जाते हैं और इसका इलाज क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पखाने में खून क्यों आता है। पखाने में खून आने की काफी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इनमें से मैं आपको 6 सबसे अहम वजूहात के बारे में बताऊंगा। पहली वजह है हेमरॉइड्स। इसको आम जबान में पाइल्स या बवासीर भी कहते हैं। ये पखाने में खून आने की सबसे आम वजह है। हेमरॉइड्स हमारे पखाने के रास्ते में फूली हुई खून की नालियों को कहते हैं, जिनमें से पखाना करते वक्त खून टपकने लगता है। नॉर्मली हेमरॉइड्स पेनलेस होते हैं और जब इनकी वजह से खून आता है तो पखाना करते वक्त कोई दर्द महसूस नहीं होता। अगर आप हेमरॉइड्स या बवासीर के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पखाने में खून आने की दूसरी वजह है एनल फिशर। एनल फिशर हमारे पखाने के रास्ते में एक जख्म बनने को कहते हैं। ये जख्म कब्ज की हालत में बहुत सख्त पखाना होने की वजह से बनता है। एनल फिशर के पेशेंट्स को पखाना करते वक्त शदीद तकलीफ महसूस होती है और साथ में खून भी आता है। तीसरी वजह है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मेदे और आंतों का इन्फेक्शन होता है। ये खाने के जरिए जरासीम दाखिल होने की वजह से होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आमतौर पर डायरिया होता है और इसके साथ साथ पखाने में खून भी आ सकता है। इसके अलावा उल्टियाँ आती हैं, पेट में दर्द होता है और अक्सर बुखार भी होता है। चौथी वजह है डाइवर्टिकुलर डिजीज। डाइवर्टिकुलर डिजीज बड़ी आंत की एक बीमारी है। इस बीमारी में बड़ी आंत के अंदर छोटी छोटी गुब्बारे नुमा पॉकेट्स बन जाती हैं, जिनको डाइवर्टिकुलाई कहते हैं। अगर इनमें से किसी एक पॉकेट में इंफेक्शन हो जाए या सोजिश होने लगे तो फिर डाइवर्टिकुलर डिजीज की अलामत पैदा होने लगती है। आमतौर पर मरीज के पेट में उल्टे हाथ की तरफ नीचे वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ साथ डायरिया भी हो सकता है और पखाने में खून भी आ सकता है। डायबिटिकुलर डिजीज आमतौर पे 50 साल से ज्यादा की एज के अफराद में देखी जाती है। पांचवी वजह है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं जिनमें आंतों के अंदर सोजिश होने लगती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी दायमी बीमारियां शामिल होती हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की मुख्तलिफ अलामत हो सकती हैं, जैसे कि पखाने में खून आना, बार बार पखाना आना, पेट में दर्द महसूस होना, भूख कम लगना, बुखार होना, थकन रहना और वजन गिरना। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज नॉर्मली 15 से 40 साल की एज में डायग्नोज होती है। चौथी वजह है कोलोन कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर। कोलोन कैंसर भी पखाने में खून आने की वजह बन सकता है। पखाने में खून आने के साथ साथ कोलोन कैंसर की और दूसरी अलामत भी हो सकती हैं, जैसे कि पखाने की आदत में कोई तब्दीली पैदा होना, मिसाल के तौर पर मुसलसल तौर पर कब्ज या डायरिया होना। इसके अलावा कोलोन कैंसर में पेट में दर्द हो सकता है, भूख मर सकती है, वजन गिर सकता है और हर वक्त थकन महसूस हो सकती है। तो ये थी पखाने में खून आने की कुछ अहम वजूहात। अगर आपको एक आध बार पखाने में थोड़ा सा खून आने के बाद खुद ही रुक जाए तो नॉर्मली ये किसी खतरनाक बीमारी की वजह से नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपकी अलामत की असल वजह का पता लगाया जा सके और फिर सही इलाज किया जा सके। जैसे कि अगर आपको पखाने में मुसलसल 3 हफ्ते से ज़्यादा अरसे के लिए खून आने लगे, पखाने की आदत में कोई तब्दीली पैदा हो जाए जैसे कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, आपका वजन गिरने लगे, आपको थकन या कमजोरी महसूस होने लगे, पखाना करने के दौरान दर्द महसूस होने लगे, आपके पेट में दर्द होने लगे या आपको पेट में कोई लंप महसूस होने लगे, तो पखाने में खून आने की असल वजह का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पहले तो आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनेशन के जरिए बवासीर और एनल फिशर जैसी बीमारियां डायग्नोज की जा सकती हैं। इसके अलावा आपका स्टूल टेस्ट किया जा सकता है। स्टूल टेस्ट के जरिए आपके पखाने में ऐसे केमिकल्स चेक करे जाते हैं जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज और बाउल कैंसर जैसी बीमारियों में बढ़ जाते हैं। ब्लड टेस्ट करके खून की कमी का पता लगाया जा सकता है। आंतों के अंदर का अच्छी तरह से मुआयना करने के लिए कैमरा टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी।
थेरेपी या फिर आंतों के अंदर का मुआयना करने के लिए सीटी कोलोनोग्राफी भी करी जा सकती है, जो कि एक खास किस्म का सीटी स्कैन होता है। तो पखाने में खून आने का इलाज कैसे किया जाता है? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, पखाने में खून आने की काफी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पखाने में खून आने को रोकने के लिए जिस भी बीमारी की वजह से खून आ रहा है उस बीमारी का इलाज करना जरूरी होता है। तो इसलिए अगर आप पखाने में खून आने की वजह से परेशान हैं तो आपको इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आखिर में ये कहना जरूरी है कि जब पखाने में खून आता है तो अक्सर लोग ये फर्ज कर लेते हैं कि यह बवासीर की एक अलामत है। ये सही है कि पखाने में खून आने की सबसे आम वजह बवासीर है, लेकिन इसके अलावा दीगर और भी वजूहात हो सकती हैं जिनमें से कुछ खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि बाउल कैंसर या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसलिए अगर आपके पखाने में खून आए तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी असल वजह का पता लगाना चाहिए। इस तरह आपका सही इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पखाने में खून आने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।